कंफर्टेबल गाड़ी का फ़ायदा उठाते हुए आई स्टार्टेड टू एंजॉइंग द वेदर एंड दिस इज़ द फर्स्ट मिस्टेक जिसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ। एंड दिस इज द सेकेंड। यार इकट्ठे चलते हैं यार अभी भी मेरी भी हालत खराब है। नहीं अभी हुआ क्या इससे पहले मुझे तो होश नहीं है कुछ भी नहीं अंदा तो ले गए वो वही आप आगे जा रहे थे हम पीछे थे वीडियो बना रहे थे एकदम गाड़ी पहले उधर गई है गाड़ी हॉस्टल चलते आज है आज यहाँ तो बस ये गाड़ी यही कॉल कर लें आप खड़ा था आप उन पे गिर गए हैं। हाँ आप उन पे गिर गए हैं तो उसने एकदम गाड़ी उसका सेटिंग याद आ गया यही हुआ ना कार था ये तो शुक्र है आप लोगों का गाड़ी के ऊपर छज्जा नहीं बना हुआ था ठीक है इसलिए आप एक साइड पे गिर रहे हैं दूसरा आपका जो हमजा है ना हम ना दूसरे साइड पे गए हम देख रहे थे ना आगे से हमने कहा यार ये क्या हो गया मिट्टी उड़ने लगा और इतना खतरनाक एक आवाज़ आया वहाँ पे ना करके एक आवाज़ आई हमने कहा यार देखो आप फिर मैंने रसूल को कहा यार जल्दी गाड़ी वहाँ से फिर वहाँ लगा दो हम आपको उठा के लाके गाड़ी में बिठा दिए हमको हमजा को अभी ठीक है ना सर कान में बहुत ज़्यादा दर्द कान का कोई लगा है अंदर कोई मसला नहीं है यहाँ मसला नहीं है कान का इसलिए मसला नहीं है कान के ऊपर लगा है अंदर से खून नहीं आया अगर अंदर से खून आए ना फिर आपको सिचुएशन थोड़ा सा ये ना हमजा तो कमज़ोर भी था यार बहुत ज़्यादा बिल्कुल हड्डी निकला हुआ उसका ये मेरी ज़िंदगी का वो पॉइंट था कि मेरे इर्द गिर्द जो भी हो रहा था मैं उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था मुझे कुछ भी सही नहीं लग रहा था ऐसा ही लग रहा था जैसे अभी मेरी आँख खुलेगी और ये सब एक ख्वाब समझ कर भूल जाऊँगा। हमजा इज ऑल्सो एडमिटेड लेकिन कह रहे हैं कि ही इज़ फाइन। एवरीबॉडी इज़ सेइंग कि ये बहुत ही खतरनाक सा एक्सीडेंट था नेवर दे हैव नेवर सीन दिस काइंड ऑफ एक्सीडेंट बस जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। बहुत बैड सीन सर फरंगा जाना था यार हमजा की परेशानी हो रही है मुझे सर में शदीद दर्द है कपड़ा भी डबल एक्सरे वैसे ठीक है हमजा तबीयत ठीक है हाँ काफ़ी बेहतर हूँ सर में बस दर्द है मुझे हाँ ना खैर हो गया कुछ नहीं होता हमजा को मुझे टेंशन हो रही है यार टायर नहीं फटा ये जो हम मरकज़ ऊपर कर रहे थे ना हमजा ने जान की शरारत की थी या खटाया था मुझे लगता है उसने शरारत की थी सर में बस दर्द है अल्लाह खैर करे पुलिस की टेंशन है और हमजा की टेंशन है गाड़ी फारिग हो गई है क्या यार बैठे बिठाए यार सुबह के 7:30 बज रहे हैं ठंड चौकी पड़ रही है और नाश्ता करते हैं फिर आपको बाकी की अपडेट देते हैं कि ज़िंदगी में क्या चल रहा है ठीक है ये POV व्लॉग ही होना है क्योंकि बूथा आपके भाई का इस काबिल नहीं है कि आपका भाई व्लॉग